हेलो गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय के इस हेडफोन का, और इसका मॉडल नंबर है EV4MVBT। इससे पहले फ्लिपकार्ट की तरफ से एक वायरलेस ईयरफोन रिलीज हुआ था, लेकिन ये हेडफोन फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय की तरफ से पहला लॉन्च है। ये कैसा होगा मैं इस रिव्यू में आपको बताऊँगा। पहले तो देख लेते हैं इस हेडफोन के साथ क्या क्या मिला है। तो आपको इस हेडफोन के साथ मिलेंगे एक चार्जिंग केबल, जो काफ़ी नॉर्मल सा एक केबल है और इसका लेंथ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसके अलावा मिलेंगे आपको एक यूज़र गाइड, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस हेडफोन को कैसे सेटअप करना है और इस हेडफोन कैसे काम करेगा आपके डिवाइस के साथ वायरलेसली। तो इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा बॉक्स में। तो अब बढ़ते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय के हेडफोन, जो कि आता है ब्लैक कलर में, और इसका और कोई कलर अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा है। तो इसका फ़र्स्ट इम्प्रेशन ऐसा रहेगा कि आपको देखते ही इस हेडफोन को पसंद आ जाएगा, क्योंकि इसका लुक बोलिए या इसका जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर जो मटेरियल्स है, वो आप हाथ में लेते ही समझ जाएंगे कि ये हेडफोन कैसा है। तो इस रिव्यू में आपको मैं बता देता हूँ इस हेडफोन की कुछ स्पेशलिटी और इस हेडफोन में क्या क्या आप फंक्शंस यूज़ कर पाएंगे और इस हेडफोन का मटेरियल वगैरह सब कुछ। तो पहले शुरू करते हैं इस हेडफोन के मटेरियल को लेकर। तो ये ग्लॉसी लुक देख के आप पहले अंदाज कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि ये एक मेटल का मटेरियल है, लेकिन ये एक प्लास्टिक का मटेरियल है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, तो इसके लिए इतना ग्लॉसी आ रहा है। तो ये एक मेटल मटेरियल है आप कह सकते हैं। स्पीकर के जो गार्ड है वो गार्ड भी लेदर का है, जैसे कि आपने देखा पहले फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का जो वायर्ड हेडफोन था उसका भी स्पीकर का गार्ड लेदर से हुआ था, और उसका जो हेडबैंड है वो भी लेदर का ही गार्ड दिया गया था वो हेडफोन में। तो वो प्रयास इस हेडफोन में भी किया गया है, तो इस हेडफोन में भी लेदर गार्ड दिया गया है, और इसके अलावा भी यहाँ पे स्पॉन्ज दिया गया है अंदर, इसके लिए आपकी ईयर्स पे कोई पेन नहीं महसूस होगा। तो ये काफ़ी अच्छा सोच है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय के तरफ से। इस पावर बटन को प्रेस करके जब आप 3 और 4 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो ही ये पेयरिंग मोड पे होगा और आप इसको अपने कोई भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो दो बटन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये दो बटन म्यूज़िक को चेंज करने में और प्रीवियस करने में मदद करता है, और उसके अलावा साउंड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में भी मदद करता है। यहाँ पे है माइक्रोफोन और यहाँ पे है एक ऑक्स पोर्ट, और यहाँ से आप चार्जिंग केबल कनेक्ट कर सकते हैं। पहले जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय के जो हेडफोन का मैंने रिव्यू किया था, उससे पहले जो हेडफोन का मैंने रिव्यू किया है, अगर आप वायरलेस ट्रैक्स एयर का बात करेंगे जो कि करीब 9000 रुपीज़ का है, और उसके अलावा फिर SHB की आप बात करेंगे, क्रिएटिव के जो EP6 वायरलेस हेडफोन है उसका अगर बात करेंगे, तो उन हेडफोन्स के मुकाबले इस हेडफोन का बेस ट्रिबल और साउंड क्लैरिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और इसका बेस बहुत ही रिच एंड हाई बेस है। आपके डिवाइस अगर अच्छा साउंड सपोर्ट करता है तो इस हेडफोन के ज़रिए आप वो साउंड बिल्कुल ही महसूस कर पाएंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको एक साउंड रिव्यू यहाँ पे सुनाना चाहूँगा, जिससे आप थोड़े से अंदाज कर सकते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा रहेगा या आपको क्यों ख़रीदना चाहिए इस हेडफोन को। तो चलिए मैं आपको एक ट्रैक प्ले करके सुना देता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा करीब लाते हैं स्पीकर को। जरा बेस को गौर कीजिए। तो दोस्तों यही था जो साउंड का जो रिव्यू है, तो आप इससे थोड़े से अंदाज कर पाएंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा रहेगा। बाकी मैं इस हेडफोन के साउंड के बारे में आपको जितना भी हो सके बताया दिया है, तो आप इससे शायद वो हेल्पफुल होगा और इस हेडफोन को ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे ये आप डिसाइड कर सकेंगे।
तो दोस्तों इस हेडफोन के रिव्यू में लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये हेडफोन करीब 1500 के अंदर आप पा जाएंगे, और इस प्राइस के अंदर इस हेडफोन का जो साउंड क्वालिटी है, जो ओवरऑल लुक है, जो एक्चुअल ग्रिप है, या फिर आप कह सकते हैं इसका जो मटेरियल्स है, फंक्शंस है, और एक बात खास मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका कनेक्टिविटी भी बहुत ही पावरफुल है। तो ओवरऑल मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसने कम प्राइस में और ये वायरलेस प्रोडक्ट के हिसाब से फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप इस हेडफोन को बेझिझक खरीद सकते हैं, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक का यूज़ करके भी इस हेडफोन को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं स्पेशली हेडफोन के रिव्यूज़ करता हूँ और कुछ टेक्स अपडेट्स आपको हर रोज़ देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर watching.